हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में ईओआरओ भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा दोस्तों, गुड न्यूज भी आपके लिए यहां पर रहने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर, ईओ की वैकेंसी बढ़ गई है, क्या आरओ की वैकेंसी भी बढ़ने वाली है और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या दोबारा फिर से फॉर्म शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा कई विद्यार्थियों के मेरे पास में यह भी कमेंट आ रहे हैं कि सर, इसमें कितना टारगेट लेकर मुझे चलना है, क्या मेरा 100 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाला हूं। तो एक यहां पर मैं आपको स्कोर भी यहां पर बताने वाला हूं कि आपको अधिकतम कितना स्कोर लेकर चलना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट यह भी कमेंट कर रहे हैं कि सर, क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, कैसे हमको सिलेबस को कवर करना है। एक स्मार्ट रणनीति के बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। लंबे अंतराल के बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिली है, तो इस बार आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित आपको करना है। उससे पहले दोस्तों, आपको मैं गुड न्यूज़ के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कई विद्यार्थियों की ये मांग थी दोस्तों, बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर, आप पार्ट बी के लिए जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए। तो फाइनली आपका इंतजार समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर हमने पार्ट बी के लिए 25 टेस्ट शुरू किए हैं टॉपिक वाइज। जैसा कि दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर जो मेंशन है वही हमने यहां पर मेंशन किया है। फालतू का कचरा आपको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब, 9 तो आपके नगरपालिका एक्ट 2009 से संबंधित जो 9 अध्याय हैं उनके 9 टेस्ट, इसके अलावा 3 आपके जो नियम है दोस्तों, यानी 3 नियम और 9 टेस्ट, 12 टेस्ट सीरीज। इसके अलावा दोस्तों 8 आपके शहरी सेंटर के अंदर जो संचालित योजनाएं हैं, यानी कुल मिला के 20 टेस्ट तो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हैं। अगर ये 25 टेस्ट आप अच्छे से यहां पर ज्वाइन कर लोगे दोस्तों, अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपका जो है यहाँ पर एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत होगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड करके दोस्तों अभी ज्वाइन कीजिए। प्राइस मात्र 249 रुपीज़ रखी है दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पार्ट ए और बी की, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसकी प्राइस 149 रुपये है, लेकिन उसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो भी आपकी तैयारी को दोस्तों बहुत मजबूत करेंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो हमारी जो पुस्तक है दोस्तों, आपको पता है कई सारे विद्यार्थियों ने परचेस कर लिया दोस्तों, आप खुद भी जल्दी से परचेस कर लीजिए। उसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिए। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने दोस्तों किताब के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। अगर आपको कहीं मिलेंगे तो हमारा कॉपी पेस्ट ही मिलेगा निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं जो स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन के लिए एक माध्यम बन जाए। आपको पता है दोस्तों, हमारी जो रामबाण बुक है जीके वाली, अभी सीटी का एग्जाम हुआ है हाल ही के अंदर, लगभग दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन राजस्थान जीके के हूबहू मिले हैं। और दोस्तों आप जाकर टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो, पूरे प्रश्नों की पीडीएफ और वीडियो भी हमने बना दिया है दोस्तों, तो यहां पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो दोस्तों। जो भ्रमित करने वाली है कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो दोस्तों ईओआरओ की जो वैकेंसी है उसमें ईओ की वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब आरओ की वैकेंसी के लिए भी जल्दी यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जनवरी के अंदर दोस्तों, क्योंकि निश्चित रूप से दोस्तों संभावना जताई जा रही है कि 99% तक आपकी जो वैकेंसी यहां पर 30 से 35 पदों पर बढ़ने वाली है। इसके अलावा क्या नोटिफिकेशन आने के बाद दोबारा भी फॉर्म शुरू हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज तक जो भी वैकेंसी हुई है उनमें पद बढ़ने के बाद दोबारा नोटिफिकेशन जरूर आता है दोस्तों आवेदन के लिए, लेकिन हो सकता है इसमें आए या नहीं आए अभी तक यहाँ पर दोस्तों जो है कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर भ्रमित करने वाली जानकारी आपको नहीं देता हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाएगा 100% दोबारा शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट होती है मैं ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ही आपको देता हूं दोस्तों, आप सभी को पता है। तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करना है, कैसे आपको जो है स्कोर आपको यहां पर एग्जाम में लेकर चलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों बताना चाहता हूं, मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें मिलेगी, तो आप एक निश्चित एक या दो पुस्तक से ज़्यादा आप अपने पास मत रखिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पार्ट भी सीमित है और क्लियरली बता रखा है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। पहली बात तो दोस्तों आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वही आपको पढ़ना है, जो योजनाएं दे रखी है वही आपको पढ़ना है। बहुत सारे दोस्त जो है बहुत सारी फ्लेक्सिप योजनाएं पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप अपना पहले सिलेबस कवर कीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, उसके बाद में बाकी स्टडी मटेरियल पढ़िए। और मैं सभी को एक सलाह दूंगा दोस्तों, पार्ट बी के लिए जो नगरपालिका का एक्ट है दोस्तों, जो पूरा राजस्थान सरकार का हिंदी के अंदर और इंग्लिश के दोनों में उपलब्ध है, दोनों के अलग अलग पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप जाकर दोस्तों टेलीग्राम से उसको ले लेना बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों, वो जरूर अपने पास रखिए। क्योंकि जैसे आप बुक पढ़ते हो सकता है आपको कहीं डाउट लगे, या आप बुक पूरी पढ़ने के बाद आप उस एक्ट को भी एक बार नजर मार लीजिए, जो जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी दोस्तों और आप में कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, क्योंकि वो सरकारी एक्ट है, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपके, ठीक है ना। और वही चीज हमने दोस्तों किताब में डाली है, यानी उसका शॉर्ट रूप करके, उसको सरल भाषा में करके, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका स्कोर मजबूत होगा। आपको पता है ये प्रैक्टिस यानी एमसीक्यूज बेस पर आपका टेस्ट होने वाला है, यानी जो आपका एग्जाम होगा पूरा वो एमसीक्यूज बेस पे होगा, लिखने वाला कोई भी आपका यहाँ पर काम नहीं है। और ईओआरओ के लिए एक ही पेपर आपका होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर अलग अलग पेपरों का, नहीं, एक ही पेपर आपका होगा और अच्छा स्तर का पेपर आपका आएगा, क्योंकि आपको पता है आरएस लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, तो आपका अच्छा पेपर यहाँ पर आने वाला है।
करंट अफेयर्स वगैरह की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स भी आपको जो है लगभग 6 महीने का ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। अभी फिलहाल आरपीएससी जो भी पूछती आ रही है, 6 महीने का जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करंट अफेयर्स है वही आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों स्कोर की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये करेंगे, सर मेरे 100 नंबर में क्या सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं फीमेल हूँ या मेल कैटेगरी से हूँ या फिर मैं एससी कैटेगरी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कैटेगरी हो आप लगभग दोस्तों 95 में से 100 का टारगेट जरूर लेकर चले दोस्तों। 100 से ज़्यादा ना के बराबर चांस है कि कट ऑफ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो टेस्ट है, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये 2 भागों में इसका सिलेबस डिवाइड है। हालांकि ए भाग के अंदर जो जीके वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं कैंडिडेट, लेकिन पार्ट बी के अंदर सभी के लिए नया है, चाहे कोई भी हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहा है या कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट है, उसके लिए भी ये मुसीबत है कि पार्ट बी को कैसे हैंडल किया जाए। तो सभी के लिए नया है दोस्तों, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कहने का मतलब मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप 100 नंबर का टारगेट लेकर जरूर चले दोस्तों, और अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आपका 100 नंबर में जो है सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी दोस्तों। तो पूरी कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दी है, कोई भी आपके डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा मैं रेगुलर फ्री क्लासेस भी आपको दे रहा हूँ हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स डेली आपको वहाँ पर पेपर कटिंग आपको मिल रही है और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी दोस्तों, तो एप्लीकेशन पर जाकर भी आप कई सारी चीज़ें ले सकते हो। और हाँ, पार्ट बी के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, और पार्ट ए के लिए भी आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, कोई भी आपका डाउट है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।